आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूले के। तो डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट फार्मूला में क्या होता है कि सर रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा परमिशन। हां, सम इफ का जो आप फार्मूला यूज करते थे बस उस सम इफ का ही फार्मूला समझिए एक तरह से है, लेकिन सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ जो फार्मूला थी उसी को थोड़ा सा एडवांस बनाया गया, लेकिन उसका खास यूज होता नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है क्योंकि इसका यूज हम लोग समरी वगैरह में करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में परमिशन आप लोगों की दे दी गई है। मैं एक बार एक डेटा एक फाइल ओपन करता हूँ डेटा के लिए, और मैं कुछ डेटा इसमें से कॉपी करता हूँ, कुछ डेटा को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं एक अलग डेटाबेस को पेस्ट करता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें से टोटल चाहिए, मैं कुछ फील्ड यहाँ रखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें पहला तो पूजा का टोटल चाहिए, दूसरा मुझे इसमें पुणे का टोटल चाहिए, तीसरा मुझे इसमें टीवी का टोटल चाहिए, और यहाँ पे जैसे पुणे पूजा हो गया तो उसका जो डिवाइस होगा, डिवाइस नहीं इसका साइड हो, साइड कर ले या फिर टाइप, हाँ टाइप करते हैं, टाइप में ओल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और सिटी पुणे है, इसका लॉगिन काउंट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और टीवी का ऑल ओवर डेटा चाहिए हमें। इस तरह की आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और मुझे इसमें ड्यूरेशन का टोटल काउंट करना है। तो ड्यूरेशन का टोटल काउंट करने के लिए अब यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, और हर बार ये मान लो जब ये पूजा है तो करीब में सिटी हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है क्या, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पर हमारे पास डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला आता है, जिसे हम यहाँ पे लगाएंगे डी सम, डेटाबेस सम। डेटाबेस से जितने भी फॉर्मूले हैं सबको लगाने का तरीका सेम है, बस रिजल्ट अलग अलग है। आप सेलेक्ट कीजिए डेटाबेस को, किस फील्ड को टोटल करना है, तो मुझे ड्यूरेशन को टोटल करना है, और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया को आप सेलेक्ट कर लें। ध्यान रखेंगे कि क्राइटेरिया में आप नेम को, इसलिए हेडिंग जो है हेडिंग को जरूर लीजिएगा, फटी से बना गया। अभी रिजल्ट क्या है सही है, इसके लिए हमें एडवांस फिल्टर बात करनी पड़ेगी। एडवांस फिल्टर इसी तरह की मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगाई जाती है, फिल्टर में एडवांस। और यहाँ पे मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन, एंड कहाँ करना है कॉपी, तो यहाँ करना है। क्राइटेरिया क्या है, तो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, एंड ओके किया, यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये देखिए टोटल आ गया ना। हेलो, अब जैसे पुणे का डेटा नहीं आया, पुणे का डेटा इसलिए नहीं आया कि पुणे में ग्रेटर देन 3 है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 2 कर दूँ तो अब यहाँ पे देखिए बढ़ गया पुणे का भी टोटल आ गया। तो एडवांस फिल्टर समझ में आया आपको क्या करता है, एक सिलेक्टेड डेटा में कई सारे फॉर्म कंडीशंस के बिहाफ पे डेटा को फिल्टर करके किसी अनदर जगह पे रखता है, लेकिन सेम सीट पे, अनदर सीट पे नहीं। ओके मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मान लो आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो एडवांस फिल्टर में बस आप ओके कर दीजिए, कॉपी टू मत कीजिए, यहाँ पे फिल्टर इन द पैलेस कर दीजिए, तो आपको यहीं पे फिल्टर हो जाएगा। हो गया, तो एडवांस फिल्टर का यूज होता है, और एडवांस फिल्टर की ही तरह काम करता है आपका डी सम फॉर्मूला। वैसे अगर काउंट करना है तो डी काउंट फॉर्मूला, ये आपको नंबर को काउंट करता है, लेकिन लगाने का तरीका सब कुछ सेम है। आप एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, किसको काउंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह के जो फॉर्मूले हैं ये लिस्ट आप यहाँ एफएक्स पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। यहाँ मोस्ट रिसेंट में मैंने यहाँ पे दिया डेटाबेस फॉर्मूला, यहाँ पे आपका डी है सर, इसमें क्राइटेरिया पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ जी हाँ, पहले क्राइटेरिया विद हेडिंग, और हेडिंग और आप डेटा के हेडिंग सेम होना चाहिए। अच्छा, और इसी शीट पर होना चाहिए, और ये क्राइटेरिया है पता है। अब यहाँ हमारे नहीं है, सीट कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी और सीट पे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, डी काउंट यहाँ पे डी एवरेज एवरेज निकालता है, डी काउंट नंबर को काउंट करता है, डी काउंट आपका सबको काउंट करता है। इसके बाद आपका आता है डी गेट, डिगेट फॉर्मूला वीलुकअप की तरह यूज करता है, वैल्यू को लुकअप करता है, पर ध्यान रखिएगा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर रिपीटेड है तो फिर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
डिवाइस, और मैंने दे दिया। तो यहाँ पे है मुझे ड्यूरेशन निकालने के लिए डी गेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला लगता सेम है, इसको तो सेलेक्ट कर लिया कॉमा, फील्ड कौन सा चाहिए तो ड्यूरेशन का मुझे रिजल्ट चाहिए, और फिर हमने यहाँ पे इतना दे दिया, यहाँ पे 10 आ गया। अगर वही रिपीट होता, जैसे मान लीजिए कि ये इधर देख था देखो, हाँ देख एक्सेस पीसी, अगर ये रिपीट होता तो यहाँ पे नम का एरर आता। ये फीचर यहाँ पे नहीं होता ना, वी लुकअप की तरह लीनियर लेता तो बहुत ही अच्छी चीज थी सर। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसी तरह से बाकी फॉर्मूले हैं, आप लगा के देख लीजिएगा। डी गेट, डी मैक्स मेन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, ऐसे ही आपका डी सम है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, वेरिएंस निकालता है। ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके देखिएगा, सबका लगाने का तरीका सेम है। तो डेटाबेस लिस्ट में फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर यहाँ पर ड्यूरेशन का क्या मतलब? ड्यूरेशन हमने इसको ये निकाला ना, कुछ इसको भी लुक दे, अप किया हमने। अच्छा ड्यूरेशन के अलावा आप कुछ और भी दे सकते हैं? हाँ कुछ भी दे सकते हैं, बस फील्ड का नेम, जो फील्ड का नेम यहाँ डालेंगे वो देगा। अब जो नहीं फील्ड में यहाँ से ही सेलेक्ट करूँ, मैं यहाँ इसको लिख भी सकता हूँ ना, H1 है ना, इस पे मैं लिख भी सकता हूँ कि मुझे टाइप चाहिए। ठीक है, मैडम में लिख भी दिया मैं, टाइप आ जाएगा। ठीक है, सही अब बात गॉट करते इट। हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले की। इसी में देखेंगे आपके इंफॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। इंफॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूला कोई खास नहीं है, बट इसमें है, जैसे कि पहला फॉर्मूला की हम बात करें वो है सेल। सेल फॉर्मूला क्या करता है कि ये देता है आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल नेम दिया था, पूरा पाथ देगा, बट यहाँ पे पाथ तो है नहीं। इसका यूज हम लोग करते थे सीट नेम, जैसे सीट नेम यहाँ मुझे यहाँ सीट नेम दिखना चाहिए सीट नेम के लिए, तो यहाँ पे हम करते थे सेल सेल, और यहाँ पे हम फाइल नेम देते थे कि यहाँ पे मुझे पूरा कंप्लीट फाइल का पाथ आ जाता था। अब मैं यहाँ पे फाइंड लगाऊंगा और फाइंड के अंदर में बोलूंगा कि भाई क्लोजिंग बड़ी ब्रैकेट और फिर कॉमा, हमने इसमें बोला और कॉमा हमने यहाँ पे 1 दे दिया, और फिर मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मा लगाऊंगा कि राइट, हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि लेफ्ट लेन, सॉरी लेन -58 के दे दिया सीट में। ओके, तो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से आपको यहाँ पे एक एरर टाइप का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि एरर दिखाता है, कि सेल के अंदर जो एरर होगा वो दिखाएगा उस नंबर में। अगर नल हुआ तो 1 दिखाएगा, DIV हुआ तो 2 दिखाएगा, वैल्यू हुआ 3 दिखाएगा, ये एरर टाइप दिखाता है सर। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो एन आ रहा है क्योंकि कोई एरर नहीं है। अगर यहीं पर अगर DIV का एरर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 आ गया। तो आप एक बार देख लीजिए एरर कौन सा एरर कब आता है, ये एक बार समझ जाइए आप। नल का एरर आता है जब किसी डेटाबेस से आप अपने फाइल को लिंक करते हैं, वहां पे ब्लैंक होता है, तो नल का एरर आता है। DIV का एरर आता है, DIV/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है। फॉर्मूला का एरर आता है कि जो फॉर्मूला आपने लगाया है उसमें आपने कोई इनपुट गलत दिया है, इसलिए यहां पे एरर का फॉर्मूला आता है। उसके RF का फॉर्मूला, रेफरेंस का फॉर्मूला तब आता है जब आपने कुछ रेफरेंस दिया है उस पे स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर वो है ही नहीं। नेम का एरर रेफरेंस का मतलब हुआ कि जो आपने A1 दिया, बाद में आपने A1 को डिलीट कर दिया, या फिर कोई ऐसा नाम दे दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो रेफरेंस एरर आता है। नेम का एरर तब आता है जब आप फॉर्मूले का नाम गलत लिखते हो, या फिर अपर वर्जन का फॉर्मूला लोअर वर्जन में टाइप कर देते हो। नम का फॉर्मूला डी गेट में आता है नंबर ऑफ डुप्लीकेट के लिए, एन ए का फॉर्मूला किसी भी लुकअप फॉर्मूले में आता है, गेटिंग डेटा एरर आता है जब हम इसको डेटाबेस से डेटा लेते हैं लेकिन बीच में कनेक्शन टूट जाता है उस केस में,
उसके बाद कैलसी का ही आपका आता है, आपका जो फिल्टर्स और ऐसे एरे फॉर्मूला की कैलकुलेशन गलत होता है तो कैलसी का आता है। फील्ड का होता है जो आइडेंटिफाई नंबर डिफाइन नहीं कर पाता है फील्ड, लेकिन दो फॉर्मूले के ये दो तीन जो है वो बहुत कम रियर केस में आता है, इसका अलग अलग है, नोन कुछ समझ नहीं पाया तो अननोन एरर दे देगा, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं है। तो एरर टाइप से आपको पता चलता है एरर, और उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर क्या एरर है। जैसे मैसेज देना है कि प्लीज डू नॉट डिवाइड एनी नंबर थ्रू जीरो, इस तरह के मैसेज देना चाहते हो तो एरर टाइप उसमें आपको मदद करता है। इन्फो फार्मूला पहले बताया कि इसका कि खुद का वजूद नहीं है, खुद का कोई यूज नहीं है, बट किसी और फार्मूले के साथ लग के ये अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे इन्फो की बात करें, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम और आपके फाइल से। जैसे मान लीजिए डायरेक्टरी कि आपका करेंट फोल्डर डायरेक्टरी कौन सा है, ये आ गया। उस तरह से इन्फो आपका मान लीजिए देखना है कि आपके पीसी का इसका रिलीज क्या है, रिलीज सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका एक्सेल का 16.0 मतलब कि 2019 है। उस तरह इन्फो आपको ये लगाना है कि आपका पीसी डॉक बेस है या लाइनक्स बेस है, डॉस बेस तो नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टम कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा कि वो पीसी डॉस है। तो इन्फॉर्मेशन मामला इसका इस तरह की चीज़ों पर प्रोवाइड करती है। उसी तरह से यहाँ पे हमें इज के कुछ फॉर्मूले, जैसे कि इज इज के फॉर्मूले हैं, जैसे इज ब्लैंक। अब इज के जितने भी फॉर्मूले हैं ना सर, वो सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करती है। इज ब्लैंक अगर जो सेल का रेफरेंस आप देंगे वो ब्लैंक होगा तो इज ब्लैंक देगा। इज एरर अगर आपने जिसको सिलेक्ट किया अगर वो उस सेल में एरर है तो ट्रू या फॉल्स देगा। एरर तो ट्रू अदर वाइज फॉल्स, लेकिन इसमें एन ए को कंसिडर नहीं करेगा, इज एरर को में एन ए भी कंसिडर होगा। किसी भी तरह के एरर पे ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। इज इवन इवन नंबर पे ट्रू देगा। इज फार्मूला अगर फार्मूला लगा रखा है तो ट्रू देगा। इज लॉजिकल अगर आपका डेटा लॉजिकल में है ट्रू एंड फॉल्स में है तो देगा। एन ए है तो एन ए देगा। नॉन टेक्स्ट में टेक्स्ट के अलावा है तो कुछ देगा। नंबर अगर नंबर हुआ तो मतलब इसमें ट्रू फॉल्स को कंसिडर नहीं करता है। इज ऑड हो गया तो इज के फॉर्मूले, इज टेक्स्ट हो गया इसके फॉर्मूले हैं, ट्रू एंड फॉल्स देते हैं। तो आगे चल के हम इस फॉर्मूले के बारे में आपके साथ बताएंगे, ठीक है। सीट का फॉर्मूला है तो ये बताता है कि इसका सीट का नंबर कौन सा है, ये बताएगा आपको कि ये आपका पहला सीट है। अगर मैं यहां पे लगाऊं सीट का फॉर्मूला, ये बताएगा आपको कि ये तीन सीट है, तीसरा सीट है। और यहाँ पे आपके पास सीट्स का मतलब हुआ है कितने नंबर ऑफ सीट इस फाइल में है वो आपको बताएगा। एक इंसर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे थ्री दिखा रहा है ना, आप इसको एक बार फॉर्मूला अपडेट कीजिए तो फोर दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन फॉर्मूले को अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। जो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया या उस पर और एग्जाम्पल चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, हम समझा देंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है सर। तभी बैठ के दो चीज कीजिए सर, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो आज इतना ही।